हमर जूजी छाप रखले बरन सर हूँ गांगा के औलाद लांगा कहा कौनो बारे चल आगे बढ़ आगे बाबू अब देखा ना मकई के बेटा बैठल बाबूगा चुनाव से आता मकई में कैसे लड़ बड़ा मकई चा कह मकई चा ना तेरे को बार उखाई के वोट ना मिली और मुंह में मुट्ठी से आला चल चला आगे प्रणाम बउआ जी बाबूजी कहाँ हो पैखाना खाए गेल हो आ जा ना 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 पैखाना करे गेल हो बसवारी में घर में पैखाना नहीं खे बनल का कौन सरवा हमको पैखाना दिया है रे जितला के बाद सब सरवा गांव से प्याज करता है और राजनीतिक पे दिया रहा है तुम का भेलो का भेलो तुम दिया है ए हमरा के बोला ना का भेलो ए हटा ना तू बहुओ मानी गरम खून के कहीं ठंडा के रखा लड़का हम गलती बोलले बा तो हम माफी मांगा दानी हाँ तो गोर पे गिर के माफी मांगो काठी बोला तेरे साला हट पीछे चल पूरा नेता गिरी गारवा है निकाल दे हम हट पता नहीं साले के चुपचाप रहेला लबर बीच में ज्ञान पड़ दबा साले करबे बेसी हला कहे तेरी चुपचाप घर में जाएला ए काहे जाई रे तोरा चोरी करे बनी रे हम कहे बहने हो जी हाँ थी भाई साफ साफ बताओ एगो वोट करे पहले बा अब बताओ तोरा घर में कागो वोट बा 1,00,000 वोट है हमको घर में बोलो तुम कितना रुपए देता है के बीच में लबाला बना बोला हट साला हट पीछे हट बुआ बताओ एक वोट कर पहले बे नेताजी एक वोट के 1,00,000 रुपया दी ए हट पीछे हट साला घर में जो भैया जी ई तो सर्व ऑन पर बा एकरा 1,01,000 में कोनो फर्क ना बुझाले घर में हमरा 4 वोट बा 2,000 या 3,000 पर जोड़ के दे देवल जाओ अच्छा ठीक बा 10,000 रुपया हम अपन लड़का से रात के भेजवा दे हम लेकिन वोट घबराए के ना चाहिए अच्छा ठीक बा प्रणाम भैया आपकी बात का ध्यान दे जाओ आपकी बार रोड बनवा दे पूरा अपने के दूरा पड़ ले पूरा ढीला ऐसी चोता था साला बाबू तू चुनाव में खड़ा होकर है मन तो बा लेकिन चुनाव में खड़ा करेला खड़ा होखेला का करे के पड़ेला मालूम नहीं है चाचा हो चल नंगीना चाचा से पूछल नहीं का करवाए के पड़ल हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता कैसा हो भैया प्रणाम ए खुदरा नहीं किया बस ए मर्द भिखारी बुझे तो का वोट नु मांगे आयल बनी अच्छा हाथी भैया बारो प्रणाम प्रणाम मालूम बानू आपकी बार वोट केकरा के देवे के बा हाँ तोरा के छोड़ के केकरा के दे हाइला पार्टी गांधी के बाटा बताइए हमरा मत एम की दुकान तोर पाका के बन जाई मोरा ले लिया साले वोट देव तनी एम की बात बिट्टू भैया जिंदाबाद 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 फिर रिंगसाथ जिंदाबाद 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 फिर रिंगसाथ जिंदाबाद 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 अब तो लेमिनेशन हो गए जी लेमिनेशन हो गए चल जाओ गांव में अच्छा लगा बिट्टू भैया जिंदाबाद बिट्टू भैया जिंदाबाद बिट्टू भैया जिंदाबाद 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 फिर रिंगसाथ जिंदाबाद 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 बिट्टू भैया जिंदाबाद 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 बाबा प्रणाम एम की बार वार्ड नंबर 76 से उठल बानी छाप बा हमार लेटरिन छाप क्रम संख्या 8 हमरा जीतला के बाद घरे घर लेटरिन पहुंच जाई बालू एम की जितावे के बा हमरा के हाँ हाँ लेटरिन पर दिया लेटरिन साहब जिंदाबाद बिच भैया जिंदाबाद रोकी एम की बार हमरा के वोट देम नू ना काहे ना देम हमरा में का कमी बा हम घरे घर लेटरिन पहुंचा देम बाक मर दे तो ढगल मुतर हम ना चाहे बिचू भैया जिंदाबाद 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 जगह छाप जिंदाबाद चाचा प्रणाम चाचा अब की बार हमरे के वोट दिया जंगिया छाप बा हमर कर्म संख्या 10 पर यही पर वोट दिया कितना रुपया देब एगो वोट हो तोरा घर में 4 गो आइला 4 गो वोट का पैसा लेकिन वोट हमरे गिरे के चाहि जिंदाबाद प्रणाम चाचा खुश रहा
अला चाचा वोट जंगे पर गिरे के चाहिए ठीक बा लेटिंग छाप जिंदाबाद चाची प्रणाम अब की बार हमरे के वोट दे हैं काहे की एम की बार घरे घरे तक रउआ लेटिंग पहुंचा दे रउआ कहे तो रउआ पोता पोती के घरों धो दे लेकिन चाची हमरे के वोट दे अला जंगे पर दी हा बिच्छू भैया जिंदाबाद 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 दाई प्रणाम 76 नंबर वार्ड से खारा बानी दाई लेटरिन छाप बा क्रम संख्या 8 बा यही पर वोट देवे के बा आई गरीब के लड़के के जितावे के बा बिच्छू भैया जिंदाबाद 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 मुखिया जी प्रणाम अरे हाथी भाई प्रणाम प्रणाम आई आई बैठी तब और सब कहो ना हाथी भाई और सब तो ठीके बा एक की बात नहीं अपना टोला पर ध्यान रखम हाँ महाराज हमनी के टोला के लोग रहुए ला नु बा अपने जान को हम तो जान दे दिया गार को हम तो गारो दे दी ना ना एमे से हमरा कुछ ना चाहिए खाली हमें वोटे दिवा दे हम हाँ हाँ वो तो मिलबे करी ए झिगवा दो कप चाय लेके आओ तोरा कितना बार मना करी लेकिन चाय में उंगली डुबा के न लिया बोल कर मालिक को उंगली में दर्द रखा तो डॉक्टर कॉले रख सेके ना उसे अच्छा अपना गान में डाल लेते बनिया से सेका देती हो मालिक वहाँ में नू रख रहा चाय लिया वेला कहनी है तो निकाले के पड़ लख भाग चल भाग ठीक बा मुखिया जी चला था नी बहुत निमन लागल है यहाँ आके बाबू देखो तनी साला मोटका 500 पे 500 बाटा था तू हो बाटो ना यहाँ खाएला पैसा झाट नहीं के अब बाटी कहाँ से रे कितना बनिया पालदारी करत रही चुनाव में खड़ा करा देलन अब बोगत ना रह कुत्ता लेखा ओ चाचा ठीक है नुआ नेता बनबो तो जिंदगी में पालदारी करते रह जइबो का तू तो साले बोलबे मत कर दिन भर यहाँ बैठ के टुआ टपर लेखा रोटी तू रहता रहा बुझा था बापे मतारी नहीं के बाका ल यहाँ से हम यहाँ ही लेगा तोरे ने बेटा बुला के लिया वाला एक बस तोरा मुंह मुताऊ ना वो भाग सलाइया से पूरा पैसा बता गेल भोजो भात हो गेल जीत तो हम ये कहो हाँ हाँ जीत तो हमनी के पाका बा हाथी चा प्रणाम 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 बताओ का दिक्कत बा मालिक 2 दिन बाद हमर बहिन के शादी बा सारा व्यवस्था हो गेल बा बस 10,000 के जरूरत बस 10,000 जा तोरा घर रुपया चौंक जाई लेकिन वोट जंगे छाप पर दिया ठीक बा मालिक प्रणाम कैमरामैन फोकस कीजिए फोकस नमस्कार प्रणाम कल तक भोजपुरी में आपका स्वागत है हम बोल रहे हैं मिस्टर चुस्ता कुमार हम लोग आ चुके हैं वार्ड नंबर 76 में तो कैमरामैन फोकस कीजिए हाथी जी कल तक भोजपुरी में आपका स्वागत है मुहे में ठेले चलाऊ नहीं नहीं हम ठेला ठेली नहीं ना करने हैं उसका काम अकेला में होता है वो रात में वो सब छोड़िए हाथी जी ये बताइए जीतने के बाद गांव में क्या क्या विकास कीजिएगा सबसे पहले तो जितना पक्का का रोड है वो सब तोड़वा देंगे तू कहा है हाथी जी हे मर्दे जितना लफुआ वाला लड़का सा है स्पीड में गाड़ी चलाता है और छिटा के मर जाता है हम साले के रोड वे तोड़वा देंगे न रोड रहेगा न लोग मरेगा बहुत उच्च विचार बा बहुत आगे ले जाइएगा थैंक यू और रिपोर्टर साहब खाली वो नहीं बतवे हम तो कहे ना हुआ आई ना तो कैमरामैन फोकस कीजिए हाथी जी के चमचा बेलते के पास अरे मर्द चमचा बेलते थोड़ा बानी बेटा नु बानी अपन खास है मर्द तोर बाप हो गोर तू कोरिया कैसे हो गेला अनहरिया में पैदा भे रही गोर तक हम कोई तू इतना कोरिया लुहा काहे बारो तो देखा आप लोगों ने इन लोगों का कितना उच्च विचार है तो चलते हैं हम लोग अगले कैंडिडेट के पास तब तक के लिए जय हिंद मंड पर साले चिल्लाता रहे उन्हें आदमी बैठ के चिल्लाता रहो कहाँ से आई गांव में तो कुत्ता लेखा नहीं इतना का रख ले बारा अब बोले चलो ला रे साला तो एगो माला हमरा के देना हम ना पहनी कहा ला तोरा के दे दी हम लोग 5 गो
अब की बार केहूंगे चुनाव जीते के बाद अभी ले कितना रुपया बताए गए? ज्यादा ना सोरे 17 लाख ले बताइए गए भाई। और बात पूरा पैसा उड़ा दे, चुनाव के बाद तो सब पैसा हम निकालिए ले हम। बाबूजी जब इतना पैसा खर्चा हो गए बात तो पूरा टोला में हम भोज कराए तनी, ऐसे लोग हम नहीं कहूँ गीत गाई। तोरा जे करेगे बात से कर, पैसा घटी तो चौर के जमीन बेच दिया, लेकिन चुनाव हम नहीं के जीते के बाद। अरे बाप रे बाप, गोर दुखा गेल हो दादा। 2 इंच घूमला ना तले गोर दुखा गेल। का कहले रे? सुनो ना बेसी चिल्ला मत, ना तो कुहू काहू के हाल जानी ले। ए साला के नाती, तू अपना बाप के कु कहबे? हां बाप रे का गन फार देबो। रे साला बाप के कु कहबे? बाप के कु कहबे रे साला? बाप के कु कहबे रे साला? तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे माहौल बहुत ही गर्म हो चुका है, तो लगता है यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। हो रिपोर्टर सर, यानी जो का रिपोर्टिंग हो, हम रिपोर्टिंग करेंगे, हम इंटरव्यू देंगे। आप खड़ा हुए हैं? ना हम बाबू खड़ा हुआ है। बाबू है ना? आप खड़ा हुए हैं? जी। जब ये खड़ा हुए हैं तो तुम काहे माला पहना रहे चोटा? माला दो माला माला पहनता है साला बड़ा दुगला रिपोर्टर, चुनाव ना रही तभी बताई होती। जी हम खड़ा हुए हैं। हाँ तो कैमरा मैन पहुँच कीजिए, तो बताइए जीतने के बाद गांव में क्या क्या विकास कीजिएगा? सबसे पहले वो स्कॉर्पियो लेंगे। रे साला सारा भेदवाई ही ये खोल दे। तो आप लोग देख सकते हैं इन लोग का कितना ऊंच विचार है, जो स्कॉर्पियो लेने का बात कर रहे हैं वो भी पेट्रोल वाला। आप लोग जानते हैं पेट्रोल कितना महंगा है। सुनिए, स्कॉर्पियो लेंगे, एम्बुलेंस बनाएंगे, हमें कहीं लोगों से ठोका गया तो तुरंत पहुंचा देंगे हॉस्पिटल में। ओहो ये बात है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बात बोले हैं और सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो सर बताइए आपका नाम क्या हुआ? बिच्छू सिंह। तो बिच्छू सिंह जी बताइए इस बार आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? कौन का जीतेगा मर्दे? हम ही लोग जीतेंगे, जनता का पूरा सपोर्ट है हम लोग के पास। कुछ ज्यादा ही सपोर्ट हो गए बा मालिक। तो बिच्छू सिंह जी आप जीतने के बाद गांव में क्या क्या विकास कीजिएगा? हमारा मकसद यही है कि जब सुबह में गांव का लोग खेत में जाता है और खेत से वापस आता है तो उनका पैर में जो मट्टी धूल कादो लगा रहता है, तो इसीलिए हम सोचे हुए हैं हम जब जीतेंगे ना तो हम अपने गांव के पूरे खेत में टाइल्स लगवा देंगे। तो बिच्छू सिंह जी आप बहुत अच्छा सोचे हैं, तो खेत में आप टाइल्स लगवा दीजिएगा तो क्या खेती आपका बाप के गांव में लोग करेगा? चलो कैमरा मैन नहीं करेंगे रिपोर्टिंग, साला बकचोद बकचोद सा खड़ा हो गया इलेक्शन में, बंद करो कैमरा साले के, बंद करो। पापा हो रिपोर्टर हो, बड़ा बढ़िया आदमी लगा, हमने के पूरा तारीफ कैला का। हाँ बेटा ये बात तो सही कला, देख चलाओ तो टीवी आ न्यूज वर देखिए हमने के। तो नमस्कार दोस्तों, कल तक न्यूज नेटवर्क में आप सबका स्वागत है। सूत्रों से पता चला है कि चुनाव को रद्द कर दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, सुनने में आया है कि चुनाव में बहुत ही दुगलई हो रहा था, इसके लिए सरकार ने एक कदम उठाई है। हाँ गुडू चलना वोट मांगे। जहाँ दुखारे जाना साले, चुनाव कैंसिल हो गई, न्यूज देख ले।